गान राज को कर नमन करू महान यह काज आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही उस प्रज्वलित ज्ञान दीपक से स्वयं का अनादि अनंत वैभव प्रकाशित होता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने
ग्रंथाधिराज समय सार की पांचवी गाथा में यह प्रतिज्ञा की है कि मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चुक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। शरीर में बीमारी हो, कैंसर की गांठ हुई है, तो कैंसर की गांठ उसका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के लिए जो डॉक्टर आया तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि जो कैंसर की गांठ है उस गांठ को निकाल दिया, मगर थोड़ा निकाला और थोड़ी गांठ रहने दी। तो हम कहेंगे कि वह डॉक्टर परफेक्ट डॉक्टर नहीं है, क्योंकि जो गांठ निकालनी थी उसको भी उसने रखा है। तो दूसरी बार दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन कराने गए तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि गांठ तो पूरी निकाल दी, मगर शरीर का अंग जो नहीं निकालना था वो भी निकाल दिया। तो दोनों डॉक्टर परफेक्ट डॉक्टर नहीं है। परफेक्ट डॉक्टर वो है जो गांठ और शरीर के अंग के बीच में वो चाकू से काटे। तो ऐसे ही ये जो गाथा है, इस गाथा में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा का थोड़ा भी अंश जगत में मत जाने देना और जगत का थोड़ा भी अंश आत्मा में मत आने देना और उन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना। और वो भेद विज्ञान जिसके माध्यम से होता है वह क्या है कि जैसे वहां डॉक्टर के पास तो चाकू है, वो चाकू से वो शरीर के अंग और गांठ के बीच में वो काटता है, तो यहां पर आत्मा और सारा जगत उन दोनों के बीच में जो कट करना है तो भेद ज्ञान करना है वो किससे करना है। तो वो उसके लिए कहा प्रज्ञा छेनी से भेद ज्ञान करना है। छेनी होती है छेनी और हथौड़ी, जैसे लोहा है तो लोहे को हमें काटना है तो वहां पर हम छेनी रखते हैं और छेनी के ऊपर फिर हम हथौड़ी मारते हैं कि दोनों के टुकड़े हो जाते हैं। मगर वो छेनी हम कहां रखते हैं कि जहां जोड़ाव हो, जहां सांधो हो, ये जग्या ऊपर आपने ये छेनी ने राखी है कि जल्दी आप टूटी जाए। तो एवी रीते पोताना आत्मा ने आखा जगतनी वच्चे वच्चे एवी रीते आ छेनी मुकवानी छे, वो उसका नाम है प्रज्ञा छेनी, ज्ञान रूपी छेनी। दोनों के बीच में भेद करना नहीं है, भेद जानना है। जैसे एक जमीन है तो वो जो खुला मैदान पड़ा है उसमें थोड़ी जमीन तो मेरी है और बाकी की जमीन है वो किसी पराये की है, और दोनों के बीच में मुझे एक दीवार खड़ी करनी है और वो दीवार जो है वो ईंट से तैयार करनी है। तो ईंट किसकी पार्टी में है? ईंट यदि मेरी जमीन में है तो दीवार में अभी कर सकता हूं, और ईंट यदि दूसरे की पार्टी में है
तो फिर मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा, उसके पास में विनती करनी पड़ेगी, उसके लिए विचार करना पड़ेगा रुपये है या नहीं ईंट खरीदने के, उसके लिए तरह तरह के विकल्प होंगे। वो ईंट यदि किसी दूसरे की पार्टी में होती तो मांगने के लिए जाना पड़ता, उसके लिए पराधीन होना पड़ता, परतंत्र होना पड़ता। मगर यदि वो ईंट अपनी पार्टी में है तो अभी दीवार खड़ी कर सकता हूं। तो ऐसे ही ज्ञानियों ने कहा कि मैं भगवान आत्मा और सारा जगत, उन दोनों के बीच में भेद ज्ञान की दीवार खड़ी करनी है। तो भेद ज्ञान की दीवार किससे खड़ी करनी है कि ज्ञान के माध्यम से। अब वो ज्ञान किसकी पार्टी में है, मेरी पार्टी में है कि जगत की पार्टी में है? कि ज्ञान तो आत्मा में है, मेरी पार्टी में है। इसलिए भेद ज्ञान की दीवार खड़ी करना ये परतंत्रता नहीं है। अभी मैं ये दीवार खड़ी कर सकता हूं क्योंकि ज्ञान तो अपने पास में है। इस ज्ञान का सदुपयोग करके अपन को भेद करना तो आता है, मगर वो जो भेद अभी हम करते हैं वो भेद दो पर पदार्थों के बीच में करते हैं। जैसे ये गाड़ी मेरी गाड़ी और ये गाड़ी तुम्हारी गाड़ी, तो जिसको मैं कहता हूं ये मेरी गाड़ी और ये तुम्हारी गाड़ी, मगर मेरी गाड़ी कहता हूं वह भी तुम्हारी गाड़ी के जैसी ही पराई है, मेरे आत्मा से तो बाहर ही है। अज्ञानी जो भेद करता है वो दो पराये के बीच में भेद करता है, ये मेरी और ये तुम्हारी, मगर है दोनों पराई। ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, मगर तुम्हारा घर तो मेरा है ही नहीं, मेरा घर भी मेरा नहीं है, मगर उनमें भेद किया ये मेरा और ये तुम्हारा। तो अज्ञानी को भेद करना तो आता है ये मेरा और ये पराया, मगर वो पराये में ही अपना और पराये का भेद करता है। और ज्ञानी अपने और पराये के बीच में भेद करते अर्थात भेद जानते हैं। इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने निज वैभव से भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है। ये अहोभाव कि मैं भगवान आत्मा कितना महान हूं, अपनी महानता का हमें अभी एहसास नहीं है, और इसलिए पर पदार्थों के पीछे ये सुख की भीख मांगने वाली जो वृत्ति है वो वृत्ति ही नहीं छूटती, पर पदार्थों की गुलामी ही नहीं छूटती, क्योंकि भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली और मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा अहोभाव जब तक नहीं आता मैं स्वयं परमात्मा हूं। महावीर भगवान की भक्ति करने जाओ तो महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ये आदिनाथ भगवान एक और है, महावीर भगवान भी उस सामने वाली पार्टी में, 24 तीर्थंकर एक और, और 24 तीर्थंकर ही नहीं अनंत सिद्ध परमात्मा। आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए वो अनंत सिद्ध परमात्मा एक पार्टी में, और दूसरी पार्टी में मैं भगवान आत्मा। अनंत सिद्ध भगवान एक पार्टी में और एक पार्टी में मैं भगवान आत्मा। और जो अनंत सिद्ध परमात्मा को चुनता है वो संसार में भटकता है, और अपने आत्मा को चुनता है वो अनंत सिद्ध परमात्मा के साथ जाकर के बैठता है। ये इतना बड़ा रहस्य है, भगवान आत्मा का अहोभाव महिमा भाव ऐसा है। क्यों? उसका स्वरूप थोड़ा समझे कि महावीर भगवान जो ध्यान में लीन है, किसके ध्यान में लीन है? आदिनाथ भगवान के ध्यान में लीन है, अजितनाथ भगवान के ध्यान में, अपने ध्यान में, अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। तो अनंत सिद्ध परमात्मा की ओर से भी ध्यान हटा और वह ध्यान अपने आत्मा की ओर गया, तब जाकर के आत्मज्ञान प्रकट होता है। आत्मा की अनुभूति ऐसी है, आत्मा की अनुभूति ऐसी है। सुख को प्राप्त करने के लिए अनंत सिद्धों से भी दृष्टि हटना जरूरी है, उसका कारण है।
कि आदिनाथ भगवान की ओर ध्यान गया, अभी आप भगवान की भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो महावीर भगवान की भक्ति कर रहे थे, आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आदिनाथ भगवान की ओर जब ध्यान जाता है तब कौन सा भाव आत्मा में उत्पन्न होता है? आदिनाथ भगवान की ओर ध्यान जाता है तब राग का भाव उत्पन्न होता है। वह राग शुभ राग है, राग दो प्रकार का, अशुभ और शुभ। तो ऐसा फिल्म देखने का भाव आया कि चलो थिएटर में जाकर के मूवी देखते हैं, हॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी देखने का भाव आया, तो वो जो भाव है वो तो राग का भाव है, मगर वो मूवी का दर्शन करने का जो भाव आया है वो अशुभ राग है। मगर आदिनाथ भगवान की भक्ति का भाव ये शुभ राग है। तो आदिनाथ भगवान की ओर जब ध्यान जाता है तब भाव तो राग का ही होता है, भले शुभ राग, मगर राग का ही भाव हुआ ना, वितरागता नहीं होती। ये नियम है, किसी भी पर की ओर ध्यान जाएगा फिर वो पर में आदिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, या अनंत सिद्ध परमात्मा हो, अनंत सिद्ध परमात्मा। नमोकार मंत्र का हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, तो सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके भी वितरागता प्रकट नहीं होती। भले ये आज आप सुनते हो, पहली बार यदि सुनते हो तो ये सुनकर के इसका विचार तो कम से कम करना, भले अभी भगवान की भक्ति का भाव आएगा, भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहेगा, पूजा करने का भाव आएगा, भक्ति करने का भाव आएगा, दया दान व्रत तप उपवास ये सब भाव आएंगे, ये भाव तो आएंगे, मगर उस भाव में सुख नहीं मानना। उस भाव में जो सुख मानता है कि ये भाव सुख स्वरूप है और खुश हो रहा है कि आज बहुत अच्छा भाव आया, बहुत अच्छा भाव आया, नहीं, उसमें सुख मानना उसका नाम मिथ्यात्व है। राग का भाव है, वो राग का भाव वो मिथ्यात्व नहीं है। राग का भाव हो तो भी आत्मा का अतींद्रिय आनंद जीव भोग सकता है। आचार्य कुनकुन देव को राग का भाव था, तो कुनकुन देव को राग का भाव था, समय सार लिखने का भाव आया, मगर वो जो राग का भाव कुनकुन आचार्य देव को भी आया समय सार लिखने का, वो राग भी ऐसा होता है। समय सार लिखा शास्त्र ज्ञानी आचार्य भगवंत वन में जब शास्त्र लिखते हैं, इतना भी भाव नहीं कि इस शास्त्र को लिखने के बाद में मैं किसी को दूं, किसी के हाथ में देकर के जाऊं, इतना भी भाव नहीं आता, उतना भी संपर्क बनाने का भाव नहीं आता। वो साधु की वो दशा, आचार्य की वो दशा, भावलिंगी संतों की वो दशा है कि लिखने का भाव तो आया, मगर लिखने का भाव आया, लिख दिया, रख दिया और आगे चले गए, वहीं पर ही, उसको उठा करके भी लेकर के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि शरीर पर तो एक धागे का भी परिग्रह नहीं, कपड़ा भी नहीं, एक धागे का परिग्रह नहीं, और एक पत्ता यहां पर लिखा, फिर उसको उठाया, उठा करके फिर दूसरी जगह ले गए, वहां पर दूसरा पत्ता लिखा, फिर वो पहले वाले पत्ते को संभाल कर रखना पड़ेगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जैसे आपको तिजोरी के अंदर वो ताला लगा है कि नहीं लगा, घर का ताला लगा है कि नहीं लगा, नहीं तो कोई लूट जाएगा, चोरी हो जाएगा, क्या होगा फिर? तो वो जो शास्त्र के तार के पत्ते को भी साथ में ले लेकर के घूमना पड़ता, और साथ में लेकर के घूमना पड़ता तो इतनी जगह, साधु तो विहार करते हैं, विहार करते तो हर जगह पत्ते ले लेके जाएंगे तो पूरी गठरी बन जाएगी, आखिर पोटली बन जाए, पत्ता भेगा करी करी ने, अने बदन माथा ऊपर उचकी उचकी फरवो पड़े, अने दोरा मात्र नो परिग्रह नहीं। इसलिए वो भावलिंगी संत शास्त्र की रचना करते हैं, भाव तो आता है, आया भाव, और एक को किसी को लिखा और लिख करके देने का भाव, किसी को दे दू ये भी नहीं, क्योंकि देने का भाव आया तो फिर
उसने फिर संभाला होगा या नहीं, उसने किसको दिया होगा, उसके फिर वो पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा गांव क्या, कौन सा गांव, किस गांव के निवासी, तुम बता, कुछ ना कुछ संपर्क बनेगा। और वो जगत से इतने उदासीन हो गए हैं, इसलिए भावलिंगी साधु को चलते फिरते सिद्ध परमात्मा कहा है। ये सिद्ध परमात्मा, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है, साधु की वो दशा है ऐसी। शरीर तो है, शरीर में रहते हैं, मगर अलिप्तता ऐसी शरीर में है, ऐसी अलिप्तता। अज्ञानी के वश की बात नहीं, ज्ञानी की दशा को समझ पाना। अज्ञानी को शरीर ही दिखेगा, अंदर की आत्मा की विकराल परिणति, अंतर में प्रकट होने वाली जागृति अज्ञानी को दिखती नहीं है, उसको बाहर का शरीर दिखता है, शरीर दिखता है। अरे आदिनाथ भगवान ने एक 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 वर्ष तक वो उपवास किया, एक बरस तक भोजन नहीं किया, एक बरस तक भोजन नहीं किया। तो आपने क्या किया, हमारा वर्षी तप, वर्षी तप, तुम्हारा वर्षी तप है, आदिनाथ भगवान का वर्षी तप था, तुम्हारा वर्षी तप है। आदिनाथ भगवान को तो अपने आत्मा के स्वरूप में ऐसी स्थिरता और परिणति ऐसी निर्मल हुई थी कि पहले 6 महीने तक तो भोजन करने का विकल्प ही नहीं आया, भाव ही नहीं आया। तुम्हें तो दिन में 600 बार भाव आता है कि मेरा वर्षी तप है, मेरा वर्षी तप, उनको तो ध्यान ही नहीं गया था। और तुम जिसे वर्षी तप कहते हो वो वर्षी तप नहीं है, वो तो 180 दिन के अनशन का नाम वर्षी तप कहते हो। एक दिन तो खाते हो, एक दिन नहीं खाते, एक दिन खाते, एक दिन नहीं खाते हो, 180 दिन का एक अनशन हो गया, अलग अलग अनशन। और याद रखना, 180 दिन का अनशन किया और नाम क्या दिया, वर्षी तप। तो पूरे साल भर भूखा नहीं रहा आदिनाथ भगवान की तरह, और नाम आदिनाथ भगवान के जैसा नाम दे दिया। तो छोटी तपस्या करके बड़ा नाम देना यह बड़ा पाप है, जो करता तो है नहीं और नाम देता है वर्षी तप का, यह बहुत बड़ा अहंकार है। इससे अच्छा स्वीकार करें कि 180 दिन का मैंने अनशन किया, कोई वर्षी तप नहीं किया। मगर यह स्वीकार करने की ताकत भी किसी बिरला में होती है, जिसके सिद्धांत को, स्वरूप को जो समझता है उसको यह, कि जितनी तपस्या मैं करता हूं उतनी ही वो कहता है, और कहता है तब भी उसको अंतर में जागृति कि यह धर्म नहीं है, ज्ञानी को जागृति है। आचार्य कुंदकुन देव की वो दशा थी, किसी को भी शास्त्र लिख करके दे करके नहीं जाते थे, लिखा वही पे रख दिया, और उसको कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का काम गृहस्थ करते, वो करते हैं, मगर इनके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं कि तुमने किया या नहीं किया। और ताड़ के पान पर ऐसे कांटे के माध्यम से, मैं तो बहुत बार ये कहता हूं कि अपन कभी भी ऐसा कोई अच्छी बात करें ना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, कि तबीयत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, पहले तबीयत खराब थी, अभी तबीयत कैसी है, अच्छी है, टच वुड, तबीयत अच्छी है, टच वुड, ऐसा वुड को टच करते कि सब ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक, कि टच वुड, वो ऐसा कि टच वुड। तो आचार्य कुंकुन देव ने कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर लिखा, काटा तो वुड को टच कर करके लिखा कि पंचम काल के अंत तक जगत के जीवों को ये वितरागी परमात्मा की वाणी सुरक्षित रहे, यहां पर टिक कर, यह था भाव कि जगत के जीवों के हित के लिए वुड को टच कर करके, टच वुड करके ये शास्त्र की रचना की। ऐसा करुणा का भाव आता है ज्ञानी को, आचार्य कुंकुन देव को कुछ लेना कुछ भी नहीं है, जगत से कुछ भी लेने का भाव नहीं है, सिर्फ इतना कि मैंने जो जाना है, मैं भी हे जगत के जीव, हे अज्ञानी जनों, मैं आपकी तरह ही पहले शरीर को अपना मानता था, मैं भी आपकी तरह ही पर पदार्थों में सुख मानता था और दुखी होता था, मगर आज मुझे ये समझ में आया, और जो मैंने आनंद भोगा है, मेरी ये भावना है कि जगत के सभी जीव इस आनंद को उपलब्ध हो, अतीन्द्रिय आनंद। ज्ञानी को ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता, ऐसा करुणा का भाव,
तुम उसके पास में बैठो इसलिए करुणा का भाव नहीं आता। नहीं बैठो तो भी भाव तो अंदर से आता है। तुम गुलाब के फूल के पास जाओ इसलिए वो गुलाब का फूल खुशबू बिखेरता है, ऐसा नहीं है। तुम पास में जाओ या नहीं जाओ उसमें से खुशबू निकलती है। तुम पास में जाओ या ना जाओ, जाओगे तो तुमको लाभ होगा मगर उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें से तो खुशबू निकलती रहती है। इसलिए ज्ञानी के अंदर से करुणा बरसती रहती है, वो करुणा बरसती रहती है। अज्ञानी जन को समझ नहीं पाते, वो दशा को नहीं समझ पाते, वो बाहर के देह की दशा को, बाहर के देह को, अरे बेचारे देखो कपड़े नहीं, अरे बेचारे, अज्ञानी को ऐसा ही लगता है, अरे बेचारे बेचारा एमज के बेचारा साधु भगवान जो ने कितलू सहन करे से, वो साधु को बिचारा कहते हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं उनको वो बिचारा कहते हैं, बिचारा खुद है, बेचारे को कहने वाला बेचारा है। महावीर भगवान माते कितना एम के बने कि महावीर भगवान बेचारा तो वो कहू साची बात है, महावीर भगवान तो खरेखर बेचारा छे, बेचार एटले बे अने चार एटले 24 માં તીર્થંકર છે, બેચારા છે એમ કે ભગવાન કેવા હતો ને કેવી તપસ્યા કરી, બેચારા ભગવાન અરે વો ભગવાન અતિન્દ્રિય આનંદ કો ભોગતે હૈ। જ્ઞાની કી વો દશા હૈ ને, વો દશા સમજ પાના બહોત મુશ્કિલ હૈ। અંતર કી જો મસ્તી ઓર શરીર કો તો પૂરી તરહ સે ઉસી સમય છોડ દિયા જબ આત્મા અનુભવ મે આયા। आत्मा की अनुभूति होती है तभी शरीर तो छूट गया, होता है यहां पर शरीर में, और ऐसी दशा प्रकट होती है कि शरीर में रहता है मगर वो शरीर से पार हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करो तुम शरीर के पड़ोसी होकर के तुम देखो तो तुमको इतना आनंद अंदर का अनंत वैभव कि अरे मैं भगवान आत्मा में कहां कीचड़ में अटका था, कहां ये राख की दीवार में अटक के बैठा था कि मानता था कि ये शरीर मैं, तुरंत ही बाहर निकल जाओगे और तुम्हें फिक्र ना होगी दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हारा शरीर पड़ा है ऐसा लटका हुआ, शरीर लटक गया, ऐसा शरीर लटका हुआ पड़ा हो, दुनिया कहेगी अरे इसको क्या हो गया, तबियत तो ठीक है, हार्ट अटैक तो नहीं आया, माइल्ड हार्ट अटैक आ गया, ऐसा बोलते, माइल्ड हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, तबियत ऐसी थी। अरे वो अंदर की मस्ती चैतन्य का जो इतना कि शरीर गया तो गया, ऐसी वो दशा होती है। ऐसा वो, और उसके लिए ऐसी अनुभूति के आनंद के लिए भगवान इस शरीर को अनंत काल तक छोड़ने की तैयारी होती है, उनको मोक्ष मिलता है। अभी तो पूरी तरह से शरीर में, क्या कहा, ये कान मेरे, क्या लिखा है, ये आंख मेरी, ये शरीर पूरा मेरा, नहीं, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा की प्राप्ति तो उनको होती है, सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हो जाता है, जो मेरा है ही नहीं उसे दाव पर लगाने को तैयार हो जाता है। तुम्हें बहुत आनंद 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 की प्राप्ति होगी, ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होगी। आत्मा की अनुभूति, चैतन्य तत्व की अनुभूति, बार बार जो निज आत्मा के ध्यान में लीन होने वाले आचार्य कुनकुन देव ये वैभव दिखाते हैं कि वैभव क्या है, भगवान आत्मा अंतर में क्या वैभव, ध्यान ही नहीं जाता अंतर की ओर, तो ध्यान ही नहीं जाता बाहर की ओर, ही इतना ध्यान है कि अंतर का वैभव उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, मुट्ठी को खोल करके तो देखा ही नहीं कि अंदर क्या वैभव भरा पड़ा है, और बाहर ही बाहर खोज ऐसी चलती रही, कहीं से कोई सुख मिल जाए, कहीं से कोई पर पदार्थ को मैं इकट्ठा कर लूं, और यहां तो देखा नहीं कि चैतन्य रत्न, चैतन्य हीरा यही पर ही है। चैतन्य को हीरा कहा, यह वैभव
सोने से भी ज्यादा मूल्यवान हीरा है, और चैतन्य को सोना नहीं, चैतन्य को हीरा कहा। क्यों? क्योंकि इस जगत में सबसे ज्यादा लंबा आयुष्य जिसका है पुद्गल में, तो वो हीरा है। टेबल 5 साल रहा, 7 साल रहा, टूट गया, पता नहीं। कुर्सी टूट गई, शरीर जलकर राख हो गया, ऐसा कुछ कि जिसका काल सबसे लंबा काल हो। तो वो जितने भी भौतिक वस्तु है, पुद्गल वस्तु, उनमें सबसे लंबा काल है वो हीरे का काल। और इसलिए भगवान आत्मा का काल लंबा काल है, इसलिए भगवान आत्मा की तुलना करने के लिए कि किसके साथ तुलना करें, कि एक ही वस्तु है जो सबसे ज्यादा लंबे काल तक रहती है और आंखों से दिखाई देती है, तो वो हीरा है। इसलिए चैतन्य हीरा का, चैतन्य हीरा का। और हीरा यदि कीचड़ में पड़ा हो तो हमें ठीक नहीं लगता कि हीरे के लिए वो जगह नहीं, हीरा उधर नहीं होना चाहिए, कीचड़ में नहीं होना चाहिए। जौहरी की दुकान से यदि हीरा खरीद करके लाओ, गहने हीरे के ऐसे खरीद करके लाओ, तो उसके साथ में मखमल का मुलायम ऐसा पैकिंग भी होता है, पैकिंग भी कितना महंगा होता है। बाजार में सब्जी खरीदने जाएंगे तो वहां पर ऐसे पैकिंग वाला नहीं मिलेगा, प्लास्टिक की थैली में दे देंगे। और अभी तो प्लास्टिक की थैली भी इंडिया में बंद हो गई, यहां भी बंद हो गई होगी, तो ऐसा कि प्लास्टिक की थैली भी नहीं देंगे। वो हीरा है, हीरे को ऐसे। और मैं भगवान आत्मा, वो तो पुद्गल का हीरा, और पुद्गल का हीरा कीचड़ में पड़ा हो, मांस के ढेर में पुद्गल का हीरा पड़ा हो, तो अच्छा नहीं लगता कि ये जगह सही जगह नहीं है, ठीक जगह नहीं है। जब पुद्गल का हीरा मांस के ढेर में पड़ा हो तो ठीक नहीं लगता, और ये चैतन्य हीरा मांस के ढेर में अंदर पड़ा है और निकलने का नाम नहीं लेता। ये धर्म उनके लिए है कि अब मैं मांस के ये ढेर में से कब निकलूं। आचार्य कुंद कुंद देव वैभव निज वैभव, मैं भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली अनंत वैभवशाली हूं। सदगुरु का रोल ये है, सदगुरु कुछ देते नहीं है, सदगुरु सिर्फ बताते हैं। वो तुम्हें भगवान बनाते नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान आत्मा हो। ऐसा मुट्ठी में हीरा है, और एक आदमी यदि तुम्हें कहे कि तुम्हारी मुट्ठी में हीरा है, तो उसने हीरा दिया नहीं है, तुम्हारे पास हीरा पहले से ही था, उसने तो तुम्हें एहसास कराया कि अंदर ही यहां पर ही हीरा है, और वो रिमाइंडर बार बार याद कराते हैं। और ये बहुत जरूरी है, बार बार ये याद आए, स्मरण में आए कि मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, गुरु वो रिमाइंड कराते हैं। एक बार ऐसा हुआ था बर्मा में, दूसरे महायुद्ध के बाद, उस समय एक विमान गिरा, छोटा विमान था। अब वो विमान किसी के खेत में गिरा, खेत का जो मालिक था, खेत का मालिक, उसने देखा कि अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई, एक नई बैलगाड़ी मेरे खेत में आ जा गई, तो बैल को मैं दोनों ओर ऐसे जोत दूंगा, तो सर अच्छी तरह से ऐसा बैल और ये बैलगाड़ी चलेगी खेत में, कितनी काम में आएगी, आज तो लॉटरी लगी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की तरह उसने बैल को जोता और फिर बैलगाड़ी की तरह ही उसको चलाना शुरू कर दिया। वो विमान में यदि जान होती तो बहुत रोता कि मेरा क्या हाल कर दिया इसने, मगर तभी एक बड़े गांव से उसका मित्र आया, उसके मित्र ने कहा कि अरे तूने क्या कर दिया, इसे बैलगाड़ी बना दिया, ये बैलगाड़ी नहीं है,
ये तो बस है। इसको बस की तरह उपयोग करते हैं, यहां पर सड़क पर चलाते हैं, ये तो बस। बोले अच्छा चलती है सड़क पर? क्या चलती है? बैल को छोड़ फिर सड़क पर लेके आए, तो सड़क पर चली। क्या ये तो अच्छी बस है, इसमें पैसेंजर को भरेंगे तो यहां से एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाएंगे, तो रोज का कमाई अच्छी हो जाएगी और ये खेत का काम अब बंद कर देता हूं। मगर तभी कोई शहर से कोई आया, उसने कहा कि यह बस नहीं है, ये तो विमान है, आकाश में उड़ता है। अच्छा मजाक तो नहीं कर रहे हो? पहले तो ऐसा ही लगता है कि ये मजाक की जा रही है। जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कहता हूं कि तुम स्वयं परमात्मा हो, उसको ऐसा लगता है कि ऐसी बातें कर रहे, मजाक तो नहीं कर रहे। मैं परमात्मा? परमात्मा तो आदिनाथ भगवान है, परमात्मा तो महावीर भगवान है, मैं परमात्मा कैसे हो गया? ऐसा कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, तुम भी परमात्मा हो। अहंकार नहीं आता, मैं परमात्मा नहीं। अहंकार तो तब आए जब मैं ये मानू कि मैं परमात्मा और बाकी जितने हैं सब कीड़े मकोड़े, तब अहंकार आएगा, मैं ऊंचा और बाकी सब नीचे। मगर ज्ञानी की तो वह दशा है कि मैं परमात्मा, तुम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। फिर किसके सामने अहंकार करने जाओ? लाख रुपया एक व्यक्ति के पास में हो और दूसरे के पास में करोड़, किसी के पास में हजार हो, तो लाख वाला हजार के पास जाएगा, हजार वाले के पास में जाके शो ऑफ करेगा, देखो मेरे पास में कितना है। मगर सबके पास में समान है, एक सी शक्ति है, फिर कौन किसके सामने अहंकार करे? आत्मा की अनुभूति होने पर प्रत्येक आत्मा आलू के अंदर सुई की नोक होती है ना, सुई नी अणी जेटली, बटाटा नी कणी मां आज सुधी जेटला सिद्ध भगवान थया एनाथी अनंत गुणा जीव होय छे। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए उनसे भी अनंत गुणे जीव, उतने छोटे टुकड़े में आलू के। और ज्ञानी को वो दृष्टि है कि वो अनंत छोटे छोटे जीव है ना, छोटे छोटे जीव नहीं, वो छोटे छोटे नहीं, वे अनंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। ऐसा नीम के पेड़ के जो फूल खिलते, सोनगढ़ में ऐसा होता था, वो जो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के समय कि वहां पर लोग चलते नीचे फूल खिलते उसके ऊपर पैर रख रख के जाते, लोग देखते नहीं, बातें करते आत्मा तो शुद्ध छे, आत्मा तो शुद्ध छे, पर शुद्ध छे शुद्ध छे, पर आ नीचे पगमा तो जो। तब गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते, वो कहते कि अरे तुमने तुम्हारा मां बाप पाला नहीं, मां बाप नहीं प्रिय लगते? बोले मां बाप तो मर गए। बोले मर गए इसलिए तो कह रहे हैं कि मर करके वो उसमें पैदा हुए, वो थोड़ी करुणा तो करो। और पता चले कि मां बाप, अच्छा तो मां बाप की तो अभी किसको पड़ी, ये तो कलयुग में। तब कहते अनंत सिद्ध परमात्मा, ऐसे ही परमात्माओं का वास, ये तुम्हारे पैर के नीचे, जो आज तुम्हारे पैर के नीचे है और कल सिद्धशिला के ऊपर है, ऐसा उसका भाव बहुत गहरा है। प्रत्येक आत्मा में वो परमात्मा वाली दृष्टि। आचार्य कुनकुन देव ने यहां पर शक्ति बताई, वैभव बताया कि मेरा वैभव क्या, वैभव तो सब में है, मगर अकेला जो शक्ति स्वरूप जो वैभव है वो आनंद का कारण नहीं बनता। वो जब प्रकट होता है ना, व्यक्त होता है, तब वो आनंद का कारण बनता है। शक्ति तो है भगवान की हम में सब में, जैसे तेल है, वो तिल में से बाहर निकला हुआ तेल, तो तिल को पीसा और उसमें से फिर तेल निकला, तो वो तेल है वो पूरी तलने के काम में आएगा। अब मेहमान घर पर आकर के बैठे और पूरी तलनी है और तेल नहीं है, मगर डिब्बे में तिल पड़े हैं, तो काम में नहीं आएंगे। आप कहो तिल तो है, तिल तो है, नहीं, वो शक्ति है उसमें तेल की,
मगर वो बाहर व्यक्त नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई। प्रकट हो तो काम में आती है। तो ऐसे ही भगवान आत्मा में अनंत शक्ति है, मगर अनंत शक्ति जब पर्याय में व्यक्त होती है, प्रकट होती है, तब आनंद प्रकट होता है। इसलिए शक्ति को व्यक्त करने के लिए, ये पुरुषार्थ करने के लिए मैं अपने निज वैभव को, मैं अपने वैभव को दिखाता हूं। ऐसा आत्मा को, भगवान आत्मा को निज वैभव से, अपने स्वनुभव से, अपने स्वयं के अनुभव से दिखाता हूं। कौन प्रमाण है? इसलिए ज्ञानी को कोई पूछे, अनुभव, मेरा अनुभव, स्वयं का अनुभव, उस अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। भगवान है, उसका प्रमाण क्या? स्वयं का अनुभव प्रमाण है। कहीं पढ़ा हो, सुना हो, उतना ही प्रमाण नहीं। स्वयं के अनुभव से, और स्वयं का अनुभव हो, फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, फिर वो मानता नहीं, क्योंकि स्वयं का अनुभव प्रमाण है। आचार्य कुंदकुन देव ने हमें कुछ दिया नहीं, हमारे पास में है वो दिखाया, दिया नहीं, दिखाया। हॉलीवुड की एक फिल्म स्टार ग्रेटा गार्वो, कितनी फिल्मों में काम किया, मगर 24 साल की हुई, उससे पहले सलून में, नाई की दुकान पर जो दाढ़ी बनाने आता था उसको साबुन लगाने का काम करती थी। साबुन लगाए थे तो एक बार एक आदमी गया वहां, और वहां पर दाढ़ी बनानी तो साबुन लगाती थी गाल पर कि उस आदमी ने कहा, हाय ग्रेटा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ग्रेटा ने कहा, थैंक यू। यहां जैसे अमेरिका में बोलते हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, उसने कहा थैंक यू। तो कि नो, आई मीन इट, ओ रियली। फिर उसने वो एक्सप्लेनेशन चालू किया, अरे तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारा नाक कितना सुंदर है, तो ये सुंदर तुम कितनी हो, बताना शुरू किया। ग्रेटा देखती रही आईने में कि अच्छा, मैं ऐसी सुंदर हूं, ऐसी सुंदर हूं, ऐसी सुंदर हूं। तभी उस आदमी ने उसे ऑफर किया कि तुम फिल्म में काम करोगी, मैं फिल्म का डायरेक्टर हूं। बोले हां। उसके बाद ग्रेटा ने 300 फिल्मों में काम किया, मगर पता ही नहीं था पहले तो कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूं। तो उस आदमी ने ग्रेटा को सुंदर बनाया नहीं, ग्रेटा सुंदर थी, सिर्फ सुंदर तुम हो ये बताया। ऐसे ही आचार्य कुंदकुन देव, भगवान आत्मा का वैभव हमको देते नहीं है, ये बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा में ऐसा अनंत शक्ति, अनंत वैभव भगवान भरा हुआ है। आहा, 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 आहा। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, मंत्र का वैभव आचार्य देव हमको ये वैभव दिखाते हैं। और ये कहते हैं कि तुम इसे प्रमाण करना। मैं कहता हूं, इतना कहने मात्र से मत मान लेना। उसने ग्रेटा को कहा कि तुम भी देखो, मैं जो कहता हूं उस नजरिए से तुम देखो। वो नजरिया दिया एक दृष्टि कि इस दृष्टि से तुम देखो। भगवान आत्मा कितना भी पापी है, मलिन है, नरक में जाकर के अनंत दुख को भोग करके आया। नारकियों के द्वारा जब एक नारकी दूसरे नारकी को काटते हैं, तिल तिल जितने छोटे टुकड़े कर देते, तिल तिल जितने टुकड़े,
मगर वहां पर शरीर ऐसा हमारे जैसा नहीं होता। यहां पर तो एक बार टुकड़ा कर दिया, शरीर के दो टुकड़े की बस खत्म, मौत हो गई। वहां नरक में तो मर्क्यूरी जैसा शरीर होता है, पाराजीव के आम शरीर ना टुकड़ा थाय पाछ ज्वाइन थी जाए, पाचा टुकड़ा थाय पाछ ज्वाइन थाय। इसलिए कितना भी शरीर को काटे, 10,000 साल से पहले मौत आती ही नहीं है। मिनिमम लाइफ 10,000 ईयर्स नरक गति में, मिनिमम लाइफ 10,000 ईयर्स। पर यहां पर किसी की सबसे ज्यादा ऐसा व्यर्थ का परिग्रह इकट्ठा किया हो, ये परिग्रह, परिग्रह को नरकायु के बंध का कारण कहा है। सबसे ज्यादा कर्म का बंध नरक का, वो परिग्रह के कारण। और इसलिए वो वैभव, बाहर का वैभव असली वैभव नहीं। जिसको ये समझ में आए तो बाहर के वैभव से छुटकारा हो। जहां विचार करो, अपने घर में टेबल रखा है, कुर्सी है, तो टेबल तो बैठने के, वहां पर सामान रखने के लिए काम में आता है, कुछ वस्तु रखने के काम में आता है, कुर्सी बैठने के लिए काम में आती है। मगर आपके शोकेस में आप देखो, इतने शोपीस भरे हुए रखे पड़े, इतने शोपीस कुछ काम में ही नहीं आते। उससे जीवन चलता नहीं है, जीवन जीने के लिए उसकी जरूरत ही नहीं है, इतना भरा हुआ पड़ा रखा है और वहां पर कुछ भी काम में आता नहीं, और हर पल परिग्रह के पाप का बंध करता है। क्या जरूरत है उसकी जीवन जीने के लिए व्यर्थ। इसलिए जो साधक होता है, आत्मार्थी होता है, वो सावधान हो जाता है, वो चेतता है कि व्यर्थ का जितना भी है उससे मैं बचूं। बस व्यर्थ के परिग्रह से पहले तो वो अपने को बचाता है। ऐसा वैभव उसने जाना कि वो वैभव वैभव नहीं, इसलिए मैं उसे व्यर्थ में कितना। मैं तो देखता हूं ऐसे ऐसे लोगों के घर पर, दरवाजे पर पीछे इतने 35 जोड़ी चप्पल, 40 जोड़ी चप्पल, 50 जोड़ी चप्पल, पहनने में एक जोड़ी चप्पल काम चल सकता है, मगर इतना परिग्रह, नरकायु के बंध की तैयारी, नरक की तैयारी कर रहे हैं। काम में कुछ भी नहीं आता पड़ा है। इसलिए बहुत बार ऐसा हो, मैं तो देखता हूं किसी के घर पर शोकेस में कप और कप रकाबी, आम नाम इतना छ कप छ रकाबी, रकाबी नी ऊपर आम कप राखेला हुए शोकेस में गोठव्या हुए, 25 वर्ष थी राख्या हुए, क्यारे चानो पीधी हुए नी अंदर, 25 साल से एक भी बार उपयोग में आया ही नहीं वो। और शुरुआत में नया नया लेकर आए थे तो दो चार दिन ऐसा देखा था, अब तो दिन में 25 बार निकलते, एक बार भी नहीं देखते, मगर पड़ा है। जब भोगना नहीं है, काम में आता नहीं है, उपयोग ही नहीं है, तो फिर क्यों उसको निकालो, निकालो। बहुत कर्म का बंध होता है, जीवन ऐसा जीना शुरू करो, वो मेरा वैभव नहीं, वो बाहर का, जितना हो सके, जितना हो सके। और आज के जमाने में तो ये सुविधा है, कितनी सुविधा कि मोबाइल फोन अपने पास में हमेशा रखते हो, मोबाइल फोन रखते हो, मोबाइल में घड़ी नहीं है, फिर ये घड़ी पहनने की जरूरत क्या। मारे समय जितना अनुकूलता सब, कभी कभी ये हाथ की घड़ी छूट सकती है कहीं, मगर मोबाइल नहीं छूट सकता, क्योंकि बाथरूम में जाते हैं तो घड़ी तो छोड़ के जाते हैं मगर मोबाइल लेकर जाते हैं। तो जो वस्तु अभी जितनी भी अननेसेसरी जो हमारे पास में रहता है, परिग्रह को कम कर सकते हैं, व्यर्थ का जितना उसका एक बार हिसाब, हिसाब लगे कि बाहर के वैभव के कारण मैं महान नहीं हूं। और जितना हो सके शुरुआत तो करें, प्रयोग करें, इतनी शांति का अनुभव होगा। ज्यादा हो तो विकल्प होता है। 144 देशों की जब यात्रा कर रहा था, मेरे पास में एक जोड़ी कपड़े थे, 144 देशों में एक जोड़ी कपड़े थे, रात को धोता सुबह पहन लेता था। जब आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन पूरी पृथ्वी पर जब सफल हुआ, उस समय रात को धोता सुबह पहन लेता,
तो उसकी मिशन की डॉक्यूमेंट्री में फोटोग्राफ्स देखोगे, सब में सब लोग एक ही कपड़े, एक ही कपड़े, एक ही कपड़े, दूसरे कपड़े नहीं। मगर एक बार ऐसा किया कि दो जोड़ी कपड़े रखे, तो दो जोड़ी कपड़े हैं, तो फिर विकल्प आया, ये पहनू या ये पहनू, ये पहनू ये पहनू ये पहनू, एक घंटे तक डिसीजन नहीं ले सका कौन सा पहनू कौन सा पहनू। तो ज्यादा परिग्रह बढ़ता है तो ज्यादा विकल्प आता है कि अब कौन सा, अब कौन सा। अब तो मेरे को ऐसा विचार आया कि मैंने दो जोड़ी कपड़े में ये विकल्प आता है तो लोगों के पास 35 जोड़ी, 50 जोड़ी, 100 जोड़ी, उनको क्या होता होगा, कितना विकल्प, कितना विकल्प। इस परिग्रह को लिमिट में रखें। एक बहन है मुंबई में, मुझसे कहते हैं कि मैंने तो परिग्रह की मर्यादा रख ली, नियम रख लिया। अच्छा, मतलब साड़ी की मर्यादा रखी मैंने, साड़ी सब जगह थोड़ी थोड़ी साड़ी रखती हूं। अमेरिका में एक घर है वहां पर 300, और एंटवर्प में मेरा घर है वहां पर 200, और कुछ अलग अलग से देश के नाम लेने लगे, और कुल मिलाकर बस अभी तो 1200 साड़ी रखी है, बस लिमिट रख ली, लिमिट लिमिट 1200 उसको लिमिट लगती। विचार करें, ये बाहर का जितना भी परिग्रह, एक एक शांति रहेगी, शांति रहेगी, विकल्प से छुटकारा। दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे घर में कितना शोपीस, कितने अच्छा शोपीस है, और दूसरा देखेगा या नहीं देखेगा पता भी नहीं। ऐसी गाड़ी खरीदी, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, और गाड़ी में से उतरते कोई देखे मुझे, गाड़ी से नीचे उतरते समय कोई देखे, ये विचार आता है, नई नई गाड़ी जब लेते देखो मैं कैसे गाड़ी में से उतरा, 3 घंटे तक तैयार होते कि मेकअप किया, इतने सजे, और पार्टी में गए किसी ने कहा ही नहीं, वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, किसी ने कहा ही नहीं, तो मेहनत पूरी पानी में गई। अरे 3 घंटे तक ये, इतनी निराशा, इतना तो कुछ आशा रखी है पर पदार्थों से, परायों से, इसलिए इतनी भी आशा अपेक्षा नहीं। अपना था, तुम जहां रहते हो तुम उसके हिसाब से तुम कपड़े पहनो, उसके हिसाब से तुम्हारा जीवन हो, मगर तुम्हारी अपेक्षा ना हो कि दूसरा उसके लिए कुछ कहे, दूसरे से कुछ लेना नहीं, दूसरा वहां नहीं। आचार्य कुनकुन देव वैभव को कहते, अज्ञानी वो पुद्गल के वैभव को वैभव मानता है, वो वैभव मानता है, और ज्ञानी कहते असली वैभव वो है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो असली वैभव है। इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण है वो आंखों से नहीं दिखाई देता, जिसका आधार वो आंखों से नहीं दिखाई देता। जो पेड़ है, पेड़ में हमें दिखता है ऐसा, पेड़ डालियां दिखती है, पत्ते दिखते हैं, फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, मगर जिसके आधार से वो पेड़ टिका है, वो जड़ है, वो जड़, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना पेड़ बाहर फैला हुआ होता है उससे अधिक नीचे जमीन में फैला होता है, मगर वो जड़, उसके मूल हमें दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देता। भगवान आत्मा भी हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, ये बाकी तो सब कुछ दिखाई देता है। अपने साथ में अपने से संतुष्ट हो गया, अपनी चैतन्य सत्ता से संतुष्ट हो गया कि भोगों से अपने को भरने का भाव नहीं आया। अपना वैभव जब पाते हो, और ये जब सुना ने तो सुनकर के भी बाहर का अब कम होने लगता है, बाहर की ओर से दृष्टि ही अब हटने लगती है, अब जगत की ओर से ध्यान ही हटने लगता है। कैसी कैसी साड़ी पहनते, अंदर हम वागती हुई जरी वाली पेरी हुए, अंदर खुशती हुए, टिकियो बधी हुए, टिकियो इतनी बधी वागती हुए, छोला तो हुए बधु घिसती अंदर, मगर दूसरा देखेगा तो कहेगा वाह कितनी अच्छी है, बस अंदर के वो वैभव, वैभव नहीं, निज वैभव, चैतन्य वैभव। आहा।
हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो वैभव है आत्मा का वैभव, ऐसा कोई मालिक, कोई स्वामी, ऐसा कोई धनपति, ऐसा कोई धनपति न होगा जो अपने नौकर को वही देना चाहे जैसा खुद के पास है, जैसा खुद के पास है। $10,000 एक महीने की तनख्वाह, $10,000 और अपने घर में नौकर रखा, तो ऐसा कोई मालिक नहीं होगा। अच्छा, $10,000 मुझे मिले, $5,000 मैं रखूंगा, $5,000 तू रखना, जैसा आधा आधा ऐसा, मगर कोई भेद नहीं, जितना मुझे मिले उतना ही तुझे, ऐसा कोई मालिक नहीं होगा जो अपने नीचे जो बैठा है उसको वही देना चाहे जो अपने को मिला है। वो भावना आचार्य कुनकुन देव की कि स्वयं को अतींद्रिय आनंद प्रकट हुआ, और वे ये कहते हैं कि तुमको भी ऐसा ही अतींद्रिय आनंद मिले। भगवान ये हमको कहते हैं कि तुम भी कम नहीं। महावीर भगवान हमको उपदेश देते हैं, वो महावीर भगवान की वाणी इसके लिए नहीं कि तुम मेरे चरणों में ही बैठे रहो, महावीर भगवान की वाणी की तुम जल्दी जल्दी सिद्ध शिला पर विराजमान होना, तुम भगवान होना, तुम भगवान होना। ये अपना वैभव आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं कि मैं ये वैभव, आत्मा का वैभव, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को, भगवान आत्मा, भगवान का अर्थ है भग अर्थात लक्ष्मी, भग का अर्थ लक्ष्मी होता है, वान लक्ष्मी वाला, जैसे धनवान होता है, वान माने धन वाला, ज्ञानवान ज्ञान वाला, ऐसे भग अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी वाला, कौन सी लक्ष्मी, ज्ञान रूपी लक्ष्मी, चैतन्य लक्ष्मी। ये चैतन्य लक्ष्मी प्रत्येक आत्मा में है, इसलिए प्रत्येक आत्मा भगवान है, प्रत्येक आत्मा भगवान है। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं, ये असली बात है। समयसार ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लोग, अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो ग्रंथ है ना समयसार, ये निश्चय का ग्रंथ है, व्यवहार की तो बात ही नहीं, निश्चय का ग्रंथ है, निश्चय का ग्रंथ है, मगर ऐसा नहीं, ये निश्चय का ग्रंथ नहीं, इसमें व्यवहार की भी बात आई है। ज्ञानी की वाणी कभी एकांत से नहीं होती, ये व्यवहार और निश्चय दोनों है, मगर उसका एक रहस्य है। समयसार को निश्चय का ग्रंथ कहा जाता है, रामायण है, जैन रामायण भी, जिसका नाम है पद्म पुराण, रविशयन आचार्य द्वारा रचित पद्म पुराण, उसमें 700 पेज पद्म पुराण में है, 700 पन्ने की ऐसी पेज की 700 पाना छे। आ पाना शब्द है ना, पाना, आपणे आम गुजराती में एम कहे ने आ पाना, आ पाना, ए पाना जे छे ए पाना शब्द ए आवी रीते पड्यो छे। आ ताडना पान ऊपर लगता था ने, तो ताडना पत्ता, पत्ता ने पान कहेवाय, तो ए पान ऊपर लगता, तो एवी रीते ए पानना कारणे के आटला पहेलू पानू, बीजू पानू, त्रीजू पानू, तो आपणे हवे ताडना पान तो न रह्या, પણ કાગળ આવી ગયા, પણ તોય કે આપણે એમ કહીએ કે પાના નંબર 40, પાના નંબર 42, એ પહેલાના જમાનાના જે પાના શબ્દ જે હતા, એ શબ્દ કાગળમાં પણ પાના કહીએ છીએ હજી આપણે, કારણ કે એક એ શબ્દ હજી એનો એ રહી ગયો પાનું,
ये आचार्य कुनकुन देव तो ये 700 पाना पद्म पुराण नी अंदर छे एमा 400 पाना सुधी तो राम नु नाम ज नथी आव्यु शुरुआत ना ने पछी आव्यु कारण के पहला तो रावण नु ज बधु वर्णन कर्यु પણ એનું નામ છે એ રાવણનું વર્ણન 400 પાનામાં શરૂઆતમાં આટલું બધું કર્યું પણ એ જે છે શરૂઆતના પાનામાં રાવણનું વર્ણન કર્યું પણ એને રાવણાયણ નહીં કીધું રામાયણ કીધું વર્ણન તો રાવણનું પણ છે અને વધારે છે પણ તોય રાવણાયણ નહીં રામાયણ કેમ કારણ કે રામના પિતા કરતા પણ રાવણ મોટા હતા રાવણ જે છે એ રામના પિતા કરતા પણ મોટા હતા તો એનું બધું વર્ણન પેલા રાવણનું વર્ણન એ જૈન રામાયણની અંદર બધું વર્ણન પેલા કર્યું છે દશરથ કરતા પણ તમે વાંચો ને તો એમાં 400 પાના સુધી બધું રાવણ અને પછી છેલ્લે પણ એનો છેલ્લે રાવણ રામનું વર્ણન ચાલુ કર્યું અને તો નામ રામાયણ રાખ્યું પણ એનું કારણ શું કે છેલ્લે જીત કોની થઈ કે જીત રામની થઈ એટલે ભલે રાવણનું વર્ણન કર્યું હતું પણ તોય કે નામ તો રામાયણ જ રાખ્યું તો એવી રીતે સમયસારમાં તે વ્યવહારનું વર્ણન તો કર્યું છે પણ જીત વ્યવહારની નથી થતી નિશ્ચયની થાય છે એટલે સમયસારને નિશ્ચયનું શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે નિશ્ચયનો ગ્રંથ છે આ એમ કહેવામાં આવે છે કારણ કે અંતે તો પર પદાર્થોથી હટીને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થવા માટેની જ આમાં ગુણગાન ગાયા છે આ વર્ણન કર્યું છે એટલે આચાર્ય કુનકુન દેવ યે કહેતે હૈ કે યે જો એકત્વ વિભક્ત ભગવાન આત્મા નિજ વૈભવ સે દિખાતા હું જ્ઞાની કી અનુભૂતિ પ્રમાણ હૈ યદિ તુમ જ્ઞાની કે પાસ મે બેઠો બધી વો ન ભી બોલે તુમને યદિ ગ્રહણ કરને કી એસી ક્ષમતા હો શક્તિ હો ઉનકે પાસ મે બેઠ કરકે ભી તુમ બહોત કુછ સીખ સકોગે પ્રાપ્ત કર સકોગે ઉનકા હોના હી તુમે બહોત કુછ સિખા દેગા મગર તુમારી તૈયારી હો તુમ બિલકુલ ખાલી હો કરકે બેઠે હો અહંકાર છોડ કરકે બેઠે હો અહંકાર સે ભરે વ્યક્તિ કો યે સત્ય સ્વરૂપ સમજ મે નહીં આતા ये अहंकार लेकर के बैठा है इसलिए वो समझ नहीं सकता उस दशा को ज्ञानी की अंतर की दशा को बाहर से चमड़ा दिखता है शरीर पर मैल जम गया है वो दिखता है बदबू आ रही है शरीर से वो दिखता है शरीर सूख गया है गर्मी के कारण सर्दी के कारण चमड़ी ऐसी हो गई शरीर की स्थिति ऐसी हो गई मगर ज्ञानी का आत्मा अंदर से खिलता है जैसे जैसे शरीर दुबला होता जाता है अंदर से दृढ़ता आती दिए की मिट्टी जैसे जैसे मिट्टी घिसती जाती है ऐसे ऐसे महिमा बढ़ती है ज्योति की कि ज्योति तो ऐसी ही रही मिट्टी बिखरती गई मगर ज्योति तो ऐसी ही रही ज्योति को कुछ भी ना हुआ ज्योति मिट्टी के कारण नहीं वो श्रद्धा दृढ़ हो गई और दृढ़ता आई इसलिए ये पहले से सुना हो पेट में भोजन नहीं गया शरीर दुबला हो गया शरीर में अशक्ति आएगी शरीर में अशक्ति आ जाए मगर तुम निराश मत होना अशक्ति 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 को जानने वाला वो अशक्त नहीं है वो शक्तिशाली है जैसे कोई शिकायत करे बुढ़ापे में
હવે તાકાત નથી રહી, હવે શક્તિ નથી રહી. જો ને કેટલા એમ કે શક્તિ નથી રહી, હાથેથી પાણીનો ગ્લાસ એ લેવાતો નથી, શક્તિ નથી રહી, શરીરમાં અશક્તિ આવી ગઈ. પણ અશક્તિ આવી ગઈ ત્યારે આવો વિચાર જ કરે. આ વિચાર કેવો કરવાનો કે આ શરીરમાં અશક્તિ આવી ગઈ, એ અશક્તિની ખબર કોને પડી? મળદું હોય મુર્દે કો પતા નહીં કે શરીર મેં અશક્તિ. તો શરીર મેં જો અશક્તિ આવી, વો અશક્તિ કો જાનને વાલા જ્ઞાન હૈ, જ્ઞાન સે યે જાનને મેં આયા કે શરીર મેં અશક્તિ હૈ, શરીર મેં શક્તિ નહીં હૈ, કે ઇસ ગિલાસ કો મેં ઉઠા નહીં સકતા, ગિલાસ કો ઉઠા નહીં સકતા, યે જાનને વાલા જ્ઞાન હૈ. ઓર વો જ્ઞાન હૈ વોહી તો શક્તિ હૈ. તો ભગવાન આત્મા મેં મેરી શક્તિ તો હૈ, અભી જ્ઞાન તો હૈ, જ્ઞાન ગયા નહીં હૈ, કઈ છૂટા નહીં હૈ. ઇસલે ભર સમય અપને સ્વરૂપ કી, અપને સ્વરૂપ કી શક્તિ કી ઓર હી યહાં જાગૃતિ રહે. મેં એકત્વ વિભક્ત ભગવાન આત્મા કો નિજ વૈભવ સે દિખાતા હું. યે વૈભવ એસા હૈ, પર પદાર્થો કે કારણ યે વૈભવ કમ નહીં હોતા, પર પદાર્થો કે યોગ મેં રહે કરકે ભી યે ભગવાન આત્મા, ભગવાન એસા યે શક્તિશાલી ભગવાન આત્મા એસા હી શુદ્ધ 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 કભી ભી અશુદ્ધ નહીં હુઆ. ઇસ શરીર મેં યદિ તુમ પાણી પીઓ, પાણી પિયા, પાણી બહાર નિકાલા, ગંદા પાણી બહાર નિકલા, ગંદા પાણી ગંદા હો ગયા, થોડા હલવા થાલી પર, થાલી મેં હલવા હલવા ખાયા, બહાર નિકાલા કે હલવા ગંદા હો ગયા, અબ યે હલવા ગંદા હો ગયા, અબ નહીં ખા સકતા. કપડે બાજાર સે ખરીદ કર લાયે, પહેને થોડી દેર કે અબ પસીના વાલા હો ગયા, અબ ગંદા હો ગયા. દુનિયા કી એસી વસ્તુ, પાણી કપડે કો ધોતી, ઘર કો ધોતી, સબ વસ્તુ કો ધોને વાલા પાણી ભી એસા ડાલા, બહાર નિકલા ગંદા નિકલા. શરીર કિતના ગંદા હોગા, વો પાણી કો ભી ગંદા કર દિયા. યે શરીર એસા હૈ કે જો ભી વસ્તુ શરીર કે સંપર્ક મેં આતી હૈ કે વો વસ્તુ ગંદી હો જાતી. યે શરીર કિતના ગંદા હોગા. ઓર હલવા યદિ મુંહ મેં ડાલા તુરંત બહાર નિકાલા, ફિર મેં કહું કે ચલો ખાઓ, આપ કહોગે અરે ક્યા બાત કરતે હો યે, ઓર ફિર દો ઘંટે તક અંદર ગયા ઓર ફિર ઉલટી હોકર બહાર નિકાલા, તબ તો ફિર ઉઠી જાઓગે કે યહાં બેઠને જૈસા નહીં હૈ. ઓર 6 ઘંટે તક પેટ મેં રહા ઓર ફિર બહાર નિકલા કે અરે યે તો બહોત પીછે, દેખને જૈસા નહીં, શરીર મેં રહા કે વો હલવા દેખને જૈસા નહીં રહા. વો શરીર કેસા હોગા? ઓર ઇસ શરીર મેં ભગવાન આત્મા અનંત કાલ સે હૈ, ફિર ભી ભગવાન આત્મા કા સ્વરૂપ તો શુદ્ધ હી રહા, ગંદા નહીં હુઆ. એસા વૈભવશાલી ભગવાન આત્મા યહી મેં હું. ઓ ભાવ આયે એસા, અરે યે મેરી બાત હૈ, મેં ભગવાન, એસા ઉલ્લાસ આના ચાહીએ, એસા ઉલ્લાસ આના ચાહીએ, ઉલ્લાસ આના ચાહીએ, એસા યે સુન કરકે બહોત સે લોગો કો એસા દેખતા હું. અચ્છા ભગવાન આત્મા મેં, અચ્છા ઠીક હૈ, અચ્છા હોગા હોગા કોઈ ભગવાન આત્મા ફાત્મા હોગા કોઈ આત્મા, ઓર આત્મા કે સાથ મેં વો ફાત્મા લગાતા હૈ, ફાત્મા આત્મા ફાત્મા હશે કઈ. ઓહો ભાવ જ ન આવે એવી આવી આખી મહિમા વાળી વાત થતી હોય ને એવી રીતે ચૈતન્ય પરમાત્માનો અહોભાવ એવી રીતે આવે. મેને કિતાબ લિખી પૂરી દુનિયામાં, અભી વો કિતાબ મારા સાહેબ ભી જ્યાદાતર પઢતે હૈ ઓર પઢાતે હૈ, વો ઉનકે સિલેબસ મેં રખ દીએ મારા સાહેબો ને, તો ઉનકે શિષ્યો કો પઢાને કે લિયે. જ્ઞાન સે જ્ઞાયક તક, જ્ઞાન થી જ્ઞાયક સુધી, એમાં આખું ચૈતન્ય નું સ્વરૂપ, એવું ચૈતન્ય સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કર્યું છે. એક બહેનજી ભી મુજે મિલે,
वो भी मुझे मिले और उन्होंने तारीफ की, मैंने आपकी किताब पढ़ी, सबसे अच्छी किताब मुझे वो लगी। कौन सी? ज्ञान से न्यायकता। ज्ञान से न्यायकता अच्छी लगी? हाँ वो तो ठीक है, मैं सुनता ही रहता हूं लोगों से कि बहुत अच्छी है। बोले नहीं सुनो, पिछले कितने सालों से नींद की गोली लेती थी और रात को 10 मिनट पढ़ती हूं कि तुरंत नींद आ जाती है, नींद आ ही जाती है, अब नींद की गोली बंद कर दी, नींद लाने का काम करती है ये। अब जो उसको सुन करके जिनको ऐसा हो, कह रहे मैं ऐसा परमात्मा, ऐसा उसके अंदर ऐसा वर्णन किया और वो कहते हैं कि मेरे को बड़ी नींद आ जाती है। भगवान आत्मा ऐसा ऐसी ऐसा है वो, ऐसे जीवों के दुर्भाग्य की क्या कहे कि भगवान ये चैतन्य परमात्मा की पुकार चले, ये तो अनंत काल की, ये इस भव की नींद नहीं, मोह की निद्रा को, मोह की नींद, जिस शास्त्र को पढ़ने से मोह की नींद खुल जाती है, नींद छूट जाती है, ऐसी यह परमात्मा की पुकार है, परमात्मा की वाणी है। ये समय सार ग्रंथादि राज आचार्य कुंदकुंद देव ने अंदर का वैभव व्यक्त किया है कि भगवान ये वैभव ये आप हो, समय बीत जाने से पहले, समय समाप्त हो जाने से पहले जागो और चेतो, ये अवसर दोबारा तुम्हें न मिलेगा। आप परमात्माओं को ऐसी रुचि जगी है चैतन्य परमात्मा की पुकार, इतने प्रेम और वात्सल्य भाव से सुनी, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मैं आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करता।